हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आज हमारा 7th एपिसोड है, तो थैंक यू सो मच आप सबकी विशेस के लिए। और मैं श्वेता सिंह आज आपको एक नए आर्टिस्ट से मिलवाने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही प्यारी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ी है जो दिल्ली से, और अपना आगे की पढ़ाई वो करने के लिए वो सिंगापुर गई थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके आर्ट जर्नी के बारे में। तो वेलकम करते हैं हम मैथिली जवेरी शाह का। हेलो मैथिली, गुड इवनिंग। हेलो, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। गुड इवनिंग। बस कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और आज बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। उससे पहले तो वेलकम टू आवर शो कि आज आप हमारे शो में आई हैं अपना टाइम निकाल कर। तो थैंक यू। मैथिली जी, ये बताइए कैसा चल रहा है आपका काम? अभी काम स्लो चल रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है। अभी कमीशन काम्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए काम स्लो चल रहा है लेकिन चल रहा है। हाँ, और वैसे भी जैसा कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें आपका ही नहीं, सबका काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैथिली जी, प्लीज आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से हूँ। मैंने मेरा स्कूलिंग किया ब्रिटिश स्कूल से दिल्ली से ही, और अच्छा, फिर मैंने मेरा कॉलेज किया सिंगापुर से, फ्रॉम द लसाल क्या कॉलेज बात ऑफ है, द आर्ट्स। क्या बात जी, है। तो मैंने BFA फाइन आर्ट्स पेंटिंग वहीं से किया, ओके, और मेरे एग्जीबिशंस भी हुए हैं काफ़ी सिंस 2007 से, ऑल ओवर इंडिया, और जब मैं सिंगापुर में भी पढ़ रही थी। और उसके बाद सिंगापुर से मैं 2011 रिटर्न हुई वापस दिल्ली, और तभी भी मैंने मेरे एग्जीबिशन शुरू रखे थे और वो भी अरे अच्छे चल रहे थे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पहले से ही अपने आर्ट फॉर्म में ही रही हैं और अपना आर्ट करियर ही, मतलब आप अपना जो करियर है वो आप आर्ट में ही लेकर गई। क्यों? तो जी, मैथिली जी, तो जैसा कि आपने सिंगापुर से आपने BFA का कोर्स किया है, पढ़ाई की है, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे एजुकेशन करके? जैसे इंडिया में कैसा है इसका एजुकेशन और बाहर कैसा एजुकेशन है? जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी इंडियन करिकुलम कभी किया नहीं था स्कूल में या कॉलेज में, इसलिए इंडियन करिकुलम के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन सिंगापुर में ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे सब मिक्स कल्चर था, मतलब सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं था, एशियन कल्चर था पूरा, तो वो वैरायटी बहुत थी सीखने के लिए, और अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर्स के लोग वहाँ पे सब मौजूद थे, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। अच्छी बात है। जी, और वहाँ का आर्ट भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे आर्ट सीन भी, वहाँ पे भी गैलरीज म्यूजियम्स बहुत है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नए स्किल्स टेक्निक्स वो सब बहुत मिला था वहाँ पे एक्सपोजर बेसिकली। हाँ, तो जैसे कि आपने मतलब वहाँ की पढ़ाई की, तो जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है और वहाँ पे भी काफी आर्ट का अलग अलग कल्चर है, तो कैसा कल्चर है? मतलब वहाँ के भी फोक पेंटिंग में वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ का जो फोक पेंटिंग है वहाँ उसका इंटरेस्ट लेते हैं, या वहाँ भी इंडियन फोक आर्ट का कुछ चलन है? नहीं, वहाँ पे भी उन लोग इंडियन के लिए भी उन लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्ट के लिए भी, तो अरे वाह, ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो कि सिर्फ साउथ इंडियन आर्ट हुआ या तंजौर पेंटिंग हुआ फॉर एग्जांपल, सिर्फ उतना ही नहीं है, मतलब सारे लाइक इंडियन आर्ट्स के लिए भी उन लोग बहुत मानते हैं, लेकिन वो भी डिवाइडेड होते हैं कि वो सिर्फ ज़्यादातर वो इंडियन भी नहीं लेते, पूरा लाइक एशियन आर्ट कल्चर ही रहता है वो। ओके, और आप सिंगापुर एशियन आर्टिस्ट के बारे में भी ओके
आप एशियन आर्ट के बारे में कुछ हमें बताइए। जी जरूर। तो आई मीन एशियन आर्ट का कॉन्सेप्ट भी ऑफकोर्स बहुत बड़ा है, तो वहां पे भी लाइक चाइनीज हुआ, साउथ इंडियन के आर्ट्स हुए, वो सारे उसमें मौजूद होते हैं। तो उसके आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं और उसके स्टडीज भी हमने काफी बहुत किए थे तब, बैक इन 2011 जब कॉलेज में थे। और बस इतना है कि वहाँ का जो आर्ट सीन है उन लोग इतने वास्ट होता है कि लाइक कभी कभी समझ नहीं आता था कि उन लोग कितना फास्ट स्पेस में भी जाते थे। लाइक अलग अलग सेमेस्टर्स में भी कॉलेज के टाइम में वहां पे उन लोग बोलते थे कि उन लोग वहां पे ज्यादातर टेक्निक्स कम सिखाते थे। जब आप खुद करने जाते हैं तब उन लोग बोलते थे कि ये अब ठीक नहीं है, आप ये टेक्निक यूज कीजिए। तो लोग वैसे हमारे खुद के स्किल्स भी डेवलप करते थे और नए नए टेक्निक्स उन लोग फिर बोलते थे हमें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइक उन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप हमें सर या मैम बोलिए और ऐसे ऐसे बनाइए, तो भी बहुत अलग था। बिल्कुल, इंडिया में तो जबकि है कि हम हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम टीचर करके ही सर और मैम ही मैम बोलते जी। करके ही बात करते हैं, हाँ और उससे ही उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है। बिकॉज नाम तो ऐसा है कि नाम लेके हम अपने, और जैसा कि भारत में है कि गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा हमारे टीचर्स की, तो जी एज अ रिस्पेक्ट हम उन्हें सर एंड मैम बुलाते हैं। हाँ, वहां पे उन लोग ये मानते थे कि आप लोग ऑलरेडी लाइक आगे जाके आप सर या मैम नहीं बोलेंगे बड़े लोगों को, जब भी आप पर्सनली फिजिकल बात कर रहे हो किसी के साथ, लाइक कोई भी अगर बुजुर्ग भी हो, उन लोग वैसे मानते थे कि आप उनसे नाम से बोलिए। जैसे किसी का नाम एलन है तो आप उनको एलन सर मत बोलिए, सिर्फ एलन से बुलाइए। या बहुत अच्छी बात है ये कि, और ऐसे नाम लेके बुलाने से जहाँ तक मुझे लगता है कि काफी कंफर्टेबल फील होता है। बिकॉज हम ऐसा कुछ नहीं रह जाता कि नहीं, अगर कुछ गलती हो गई तो फिर अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो कहीं सामने से कहीं रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, तो ऐसा रहता है कि चलो एक दूसरे का नाम लेने से कंफर्टेबल बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जी जी, तो मैथिली जी आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में हमें कुछ बताइए। तो मैंने मेरा पेंटिंग लाइक बहुत वैरायटी में मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था स्टिल लाइफ स्टडीज से जब मैं स्कूल में थी। जब स्कूल के बाद फिर मैंने लैंड आर्ट किया था कॉलेज के टाइम में, वो सब नेचुरल मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स लेके अलग अलग लैंड आर्ट के फॉर्म्स बनाते थे। और उसके बाद मैंने फिर शुरू किया इंडियन आर्किटेक्चर्स लेके, इन स्पेसिफिक राजस्थान आर्किटेक्चर्स, क्योंकि मुझे जो राजस्थानी के आर्किटेक्चर्स है मुझे उस पर बहुत लगाव है, क्योंकि उनके उनके इंट्रिकेसीज में बहुत छोटे छोटे काम है बेसिकली। और दूसरा है लैंडस्केप्स, मुझे ग्रीनरी और कलर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ज्यादा लैंडस्केप्स काफी स्टडी किए थे। हाँ, और कुछ लैंडस्केप तो मैंने भी देखे हैं आपके स्टूडियो में खुद आके, जैसा कि हम लोग एक दूसरे को पिछले 4-5 सालों से जानते हैं और जी वी आर गुड फ्रेंड ऑल्सो, तो ये और कई पिक्चर्स भी है ना हम दोनों की जो पेंटिंग के साथ है, तो जी ठीक है। और तो बहुत अच्छा लगता है आपकी पेंटिंग देख के, देखी है मैंने आपके लैंडस्केप, बहुत ही अच्छे हैं। तो थैंक यू। जैसा कि आपका स्टूडियो मुंबई में था, तो अभी आप शायद मुंबई में नहीं रहती, आप अभी आप कहाँ पे रहती है? अभी मैं गुड़गांव में हूँ, अरे वाह, तो मेरा यहाँ पे मैंने घर पे ही स्टूडियो बना के रखा है, खुद का रूम बना के रखा है, वहां पे सब मेरे काम वहां पे है क्या बात, जी, तो उधर अच्छा से ही अच्छा काम चलता है। ओके। तो मैथिली जी अभी आप ऐसा बताइए, जैसे कि अभी आप गुड़गांव में हैं, तो वहां पे आज का मार्केट कैसा है? यहाँ पे तो इन फिलहाल मैं यहाँ पे नवंबर 2020 से हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक मार्केट पूरा डेड है, कुछ ज्यादा लाइक स्कोप नहीं है यहाँ पे अभी कोविड की वजह से।
या एग्जैक्टली पर देखते फिर कैसे जाता है। नहीं होप सब गुड अच्छा होगा, डोंट वरी, क्योंकि जो ये अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो उसमें हर जगह मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ही क्राइसिस चल रही है, तो इंडिया जी इंडिया में तो वैसे भी इतने पॉपुलेशन है और इतने अलग अलग तरह के फील्ड हैं, जॉब्स हैं और बिजनेस है, तो हर जगह क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा काम बहुत स्लो चल रहा है, स्लो बट चल रहा है जी। यस मे भी कुछ टाइम के बाद चीजें स्टेबल हो जाएंगी। तो मेरे के लिए आप ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ एग्जीबिशन कर चुके हैं और आपको एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? मुझे एग्जीबिशंस में मिक्स रिव्यूज मिले हैं, तो कभी ओके कभी लोग बोलते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो मार्केट में जो काम चाहिए कभी कभी वो उनके उनके क्राइटेरिया को कभी मिलता नहीं है। ओके तो क्योंकि सब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं ऑफ कोर्स, तो या सारे या क्रिटिक्स भी अलग ओपिनियंस देंगे। तो यस किसी लोगों एग्जैक्टली को रियलिस्टिक काम पसंद हो, किसी लोगों को एब्स्ट्रैक्ट काम पसंद हो, तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। या यू आर राइट और जो मेरे एग्जीबिशंस अभी तक हुए हैं वो बॉम्बे में हुए हैं, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, रायपुर, पुणे में भी हुए हैं, और काफी और भी दो तीन और जगह भी है, वहां पे भी काफी हुए हैं। ओके तो आपने सिर्फ इंडिया में ही एग्जीबिशन किया है या आप और भी किसी कंट्री में आपने एग्जीबिशन किया है? सिंगापुर में किया था जब मैं वहां पे पढ़ रही थी, उधर दो ओके एग्जीबिशंस किए थे। और मेरा फर्स्ट शो जो मैंने पहली बार जब आर्ट करियर जब शुरू किया वो में ही था मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन, और तब मेरे थ्री पेंटिंग्स एक साथ सेल हो गए थे। वो क्या बात लकीली है, वो हॉर्स के पेंटिंग्स थे, तो फिर आई थिंक हॉर्सेज में ही ले लकी है। हाँ। और जहां तक हम लोग जानते हैं आप हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। जी, इसलिए आई थिंक ज्यादा लगाव है मेरे को हॉर्सेस से भी। यस होता ही है, और कहते हैं जहाँ पे आपका ज्यादा लगाव होता है, प्यार होता है, तो अगर हम आर्टिस्ट हैं और अपनी पेंटिंग्स में उस चीज को ला रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और उभर के आ जाती है। जी तो मैथिली आप अपने आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ बताइए, जैसा कि आप लैंडस्केप ही बनाती हैं और या एब्स्ट्रैक्ट और यूरोपियन या फोक पेंटिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? एब्स्ट्रैक्ट में इतना नहीं है, लेकिन जैसे लैंडस्केप्स है तो मैं लैंडस्केप्स में ज़्यादा फोकस करती हूँ वाटरफॉल्स और उनके ओके कलर्स। तो ऐसा कहना है कि जापानीज़ और चाइनीज़ लोग वैसे कहते हैं कि वाटरफॉल्स उन लोगों के लिए लकी होता है। ओके तो उन लोग मानते हैं कि जब पेंटिंग्स में वाटरफॉल्स होते हैं तो वो जल्दी बिकते हैं और ओके पैसे आते हैं उनके घर में। तो ओके आई थिंक ऐसा इसलिए भी है, मेरे पेंटिंग ज्यादा जापानीज और चाइनीज लोगों को भी गए हैं, लैंडस्केप पेंटिंग्स। अरे वाह, और इंडिया में तो लोग कहते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि पैसे जाते हैं, और कोई लोग मानते हैं कि पैसे आते हैं। तो यस मुझे वो फनी सबका लगता है कि हाँ, सबका अलग 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 सोच होती है ऑफकोर्स। या ऑफ कोर्स सब ओपिनियन ही सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और हमारे इंडिया में तो काफी कल्चर्स है, काफी लैंग्वेजेस है, और जैसा कि मान्यता भी सबकी बहुत अलग अलग है, कहीं पे कुछ चीजें शुभ हैं और कहीं अशुभ हैं, तो फिलहाल मैं तो इन बातों को नहीं मानती हूँ, शुभ अशुभ हाँ कुछ भी भाई, नहीं होता है, जिस वो तरह सब का ऑफकोर्स विश्वास है। डेस्टिनी और लक के ऊपर ही है। यस यू आर राइट, तो सबको ऐसा ही लगता है कि नहीं बहुत जगह है, लेकिन जहाँ तक आप वाटरफॉल की बात कर रहे हैं और चाइनीज और जापानीज कहते हैं कि जिसमें वाटरफॉल होता है उससे पैसे आते हैं, तो जाहिर सी बात है, या हो सकता है ऐसा हो कि जब वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहुत बहाव में गिरता है तो उनका शायद यही मतलब होगा कि जैसे वो बहाव में गिरता है तो शायद वो एक सकारात्मक पेंटिंग है, पॉजिटिव पेंटिंग है, तो हमारे घर में आएगी, तो उसी तरीके हाँ, से पैसों का भी बहाव होगा, आई थिंक, तो मैं ऐसा सोच रही जी, हूँ। मेरा हम इंडियन से कुछ भी सोच सकते हैं। मान है कि अगर मैं वाटरफॉल्स अगर मेरे पेंटिंग में लाती हूँ वो मुझे
पीस मिलता है वाटरफॉल से, उनकी आवाजों से। इसलिए बिल्कुल मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिसमें जो देख के ही उसमें पीसफुल लग गया है। और नेचर नेचर तो है ही पीसफुल, बिकॉज आप कहीं भी जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको काफी पीस मिलता है, और और आप नेचर्स के आपको कलर्स भी बहुत होते हैं ऑफ कोर्स। बहुत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मेरी भी जैसे कुछ पेंटिंग्स है वो लैंडस्केप ही होती है और सब नेचर से इंस्पायर ही होती है। तो कहते हैं कि आप जब ऐसी कोई जगह जाती हैं जहाँ पे पहाड़, झरने और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है, तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सिंगापुर से पढ़ाई की है और आप इंडिया आ गए, तो आपको इंडिया आना था या आपको कुछ सोच के चले आए, या जैसा कि वहां पढ़ाई करके आप सिंगापुर नहीं रह गए? नहीं ऑफ कोर्स मेरा प्लान था वापस आने का। आई मीन सिंगापुर में कॉलेज के बाद वहां पे कुछ करना मुश्किल था मेरे लिए, और ओके प्लस फैमिली यहाँ इंडिया में थी, तो ऑफ कोर्स फैमिली यस, वापस बुला ही रहे थे, तो हाँ नहीं फिर तो वापस आना ही ज्यादातर पड़ा। बिल्कुल, और होता है ना फैमिली फैमिली के साथ जो रहने का अपना मजा है वो कहीं बाहर में नहीं है, और खासकर जी जब ऑफ हमारे कोर्स। अपने सिबलिंग्स होते हैं तो उनके साथ तो वैसे भी पूरा टाइम चला जाता है। तो जैसा कि इंडिया इंडिया में भी आर्ट का काफी मार्केट है, और आप इंडिया में बहुत जगह गई होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो क्राइसिस है, वहाँ इस टाइम पे कैसा चल रहा है आर्ट का मार्केट? भी आज का मार्केट आई फील अभी बहुत अलग है, सब काफी डिजिटल आर्ट हो गया है अभी। आई फील डिजिटल और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और वो रीजन आर्ट वो भी काफी चल रहा है। तो जो पहले के आर्टिस्ट थे जो ज्यादातर रियलिस्टिक काम करते थे, अभी उनके काम अभी आई फील वो कम बिक रहे हैं, मोर एब्स्ट्रैक्ट और रीजन आर्ट अभी ज्यादा बिक रहा है। और अभी कोई लोग अपने आप को आर्टिस्ट भी मानते हैं जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाई किया ही भी ना हो, हाँ लोग सिर्फ एक ब्रश मारेंगे और फिर बोलेंगे हाँ ये आर्ट है और ये मेरा क्रिएशन है, यस आई एम और उन आर्टिस्ट, लोग भी बेच हाँ रहे आजकल, वो भी क्वाइट सरप्राइजिंग है। कि आज का जो दौर चल रहा है, आजकल बहुत कुछ सीखना बहुत आसान हो गया है, जैसा कि हमारे यूट्यूब पे गूगल पे बहुत चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि जिसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, या सिर्फ आर्ट के फील्ड या पेंटिंग के फील्ड में ही नहीं, और भी चीजों में काफी चीजें बहुत आसान हो गई हैं आज के यंगस्टर के लिए। तो होता है कि जिनको कम टाइम में बहुत कुछ करना होता है उनके लिए आसान रास्ता है, और हाँ जिनको है कि अपने काम में आगे जाना है तो उन्हें तो मेहनत करना ही पड़ता है, जैसा कि एक आप मेहनत कर रही हो और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ वही ऑफ कोर्स। तो मैथिली जी, तो अभी आप बताइए, तो अभी आप गुरुग्राम में रह रही हैं, तो गुरुग्राम में आप अपने घर पे ही पेंटिंग करती हैं, तो कब करती हैं पेंटिंग आप? तो बेसिकली मेरे पास टाइम रहता है जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, वो सुबह 9:30 बजे जब ऑफिस चले जाते हैं तब घर का थोड़ा काम मेड से करवा के उसके बाद फ्रॉम 12 to 6 मेरा टाइम रहता है जब मैं मेरे आर्ट पे बिजी रहती हूँ, 6 आवर्स ओके, डेडिकेटेडली मेरे आर्ट के ऊपर। जैसा कि आपने बोला कि आप अपना काम 12 से 6 के बीच में कर लेती हैं, और आपका अच्छा टाइम है कि आप दिन में ही अपना काम कर लेती हैं, और जैसे कि मेरा है, मेरे पास मेरी एंजल है, और जब एंजल सोती है उसके बाद ही मैं काम कर सकती हूँ, और दिन में तो वो करने नहीं देती बिकॉज एंजल है, तो अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो उसे भी मेरे साथ पेंटिंग करना होता है। तो जैसा कि अभी आप अपना काम तो कर रही हैं, उसके अलावा भी आप आर्ट से जुड़ा हुआ कुछ और भी काम कर रही हैं, जैसे क्लासेस वगैरह या कुछ और? नहीं एट द मोमेंट नहीं, पर ओके तो अदरवाइज अदरवाइज आर्ट के अलावा मेरे पास और भी जो एक्स्ट्रा हॉबीज है वो उस पे भी मैं फोकस करती हूँ। जैसा कि हॉर्स राइडिंग हुआ, पियानो हो गया, क्या बात है, स्विमिंग हो और गया, जिम हाँ हो गया। पियानो तो आप बहुत अच्छा बजाती हैं, मेरे बर्थडे पे आपने मुझे बजा के सुनाया था, वाह बहुत अच्छा आप पियानो बजाती हैं, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मैटली, जैसा कि आपने बहुत जगह एग्जीबिशन किए हैं, और मुंबई में भी आपने बोला कि आपने
मुंबई में भी एग्जीबिशन के, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे एग्जीबिशन करने का? वहाँ पे रिव्यूज बहुत अच्छे मिलते थे बॉम्बे में, लेकिन सेल कम होते थे। ओके, आई थिंक वहाँ पे सेल मेरे कम हुए लेकिन रिव्यूज बहुत अच्छे हुए फ्रॉम अलग अलग लोगों के पास से। जैसे कि मैंने कहा कि सबके अलग अलग ओपिनियंस और रिव्यूज होते ही है, क्रिटिक्स भी अलग अलग होते ही है, तो सब उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन बहुत लोग थे जिन्होंने काम अप्रिशिएट किया था और बहुत लोग थे जिन्होंने मेरे मुझे मोटिवेट भी किया था। पहले शुरुआत में ऐसा लगता था, जब मैंने फर्स्ट मेरा एग्जीबिशन किया था तब मुझे खुशी हुई थी कि फर्स्ट टाइम मैंने मेरे काम बेचे। उसके बाद काम फिर वापस स्लो होने लगे कि वो बिक नहीं रहे थे इतने आसानी से, तो वो थोड़ा लग रहा था कि यू नो कि डिमोटिवेशन लग रहा था। फिर वापस थोड़ा हौसला बढ़ाया मैंने कि नहीं नहीं होगा होगा। फिर थोड़े और सेल्स हुए, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब यही है मेरा लाइन, यही है मेरा पार्ट जो मुझे अभी कंटिन्यू करना है, चाहे वो कितना भी टाइम लगे। ऑफ कोर्स यस यू आर राइट, और होता भी है जब तक हम किसी भी फील्ड में कहीं भी जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे अपने आप पर तब तक कुछ भी काम होना पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स, और आर्ट भी ऐसा चीज है कि जो आसानी से सेल नहीं हो सकेगा, टाइम लगता है, चाहे वो वीक्स लगे, मंथ्स लगे, इयर्स लगे, लेकिन इवेंचुअली वो सेल होगा ही। और आर्टिस्ट को वो होप लूज नहीं करना चाहिए, आई फील। यस यू आर राइट। तो मैथिली जी, जैसा कि मैंने आपकी पेंटिंग देखी है और मैं तो सामने से देखती हूँ, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती हैं आप, तो हम यहाँ पे आपकी पेंटिंग सबको दिखाना चाहेंगे। तो आपकी पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है मैथिली, तो आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो मैंने ऑफ कोर्स बोला था पहले कि मेरे जो लैंडस्केप्स है उसमें मैं सेरेनिटी ढूंढती हूँ, पीस ढूंढती हूँ, तो इसलिए ज्यादातर मेरे पेंटिंग्स में जो वाटरफॉल्स होते हैं वो डिपिक्ट करते हैं कि वो सेरेनिटी हो, पीस हो बेसिकली। और जो मेरे ब्लैक एंड व्हाइट आर्किटेक्चर्स होते हैं वो मिक्स मीडिया ऑन पेपर होते हैं। तो उसमें भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए थे पहले चाकोल पेन पेंसिल इंक के साथ, और तब वो कॉन्फिडेंस आया कि ब्लैक एंड व्हाइट भी एक अच्छा कला है करने के लिए आगे के लिए भी। बिल्कुल, और मोनोक्रोम में तो बहुत चीजें हैं, बहुत लोग कई कई कलर को लेकर भी मोनोक्रोम यूज करते हैं और बहुत ही खूबसूरत खिलकर आती है वो पेंटिंग। मोनोक्रोम मैंने बहुत लोगों की देखी है और आपके भी जो देखे आपने जो बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत है, और उसमें जहाँ तक है कि बहुत ही वक्त लगता है क्योंकि उसमें बहुत बारीक काम है इसलिए। बिल्कुल, और होता ही है कि जब जब हम किसी चीज को और ध्यान से बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो आप ये जो आपके पेंटिंग्स है तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। तो आपका अभी का टाइम कैसा वहाँ पे निकल रहा है? जैसा कि आप तो पेंटिंग करती हैं, तो उसके अलावा आप अभी गुड़गांव के अलावा आप कहीं दिल्ली वगैरह में भी कहीं एग्जीबिशन करने या किसी के एग्जीबिशन पे? मैंने अभी ऑनलाइन वर्चुअल एग्जीबिशन जो चल रहे हैं उसमें 2-3 बार मैंने पार्टिसिपेशन किया था गुड़गांव में। क्या बात है। ओके जी, तो वो तो ऑफकोर्स चल ही रहे है ऑन एंड ऑफ, लेकिन उतने भी लाइक उतना खास नहीं है वो ऑनलाइन एग्जीबिशन आई फील, क्योंकि वो सब वर्चुअली है। लाइक जब तक आप फिजिकली पेंटिंग को ना देखे उसमें पता नहीं चलता कि आपने क्या फील किया, क्या देखा वो व्यूअर ने, बेसिकली जो ऑडियंस ने। तो उन लोग हमेशा एक फोटोग्राफ को देख के ही नहीं बोल सकते, आपको वो फिजिकली आर्ट को देखना पड़ता है।
ये कलर डिफरेंस भी होते हैं वर्चुअली, उसमें कोई कह नहीं सकते कि अगर ये ब्लैक है तो ये ब्लैक नजर आएगा, लेकिन अगर ब्लू है तो मे बी वर्चुअली उसका शेड अलग होगा ब्लू का, बिल्कुल वो कभी कुछ कह नहीं और सकते ऑफ कोर्स। बिल्कुल और जहां तक पिक्चर्स की बात है, और आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, उसका जो कैमरे की क्वालिटी वो तो बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, आजकल कुछ चीजें तो बिल्कुल अलग हो जाती है जो मतलब काफी चीजों को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो रही हमारी पेंटिंग की बात, तो बात तो सही है कि जो सामने से देखने का जो मजा है ना, वो शायद फोटो में वो कलर कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है, शेडिंग चेंज हो जाती है। तो हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है कि हम उसे कैसे जज करें, कैसे खरीदें, या आप कैसे सोल्ड करें, ये भी एक बात है कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि अभी वर्चुअल का टाइम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, ये ऑफलाइन अच्छा था या ऑनलाइन अच्छा है, या समय के हिसाब से सब अच्छा चल रहा है, आप क्या मानती हैं? आई थिंक ऑनलाइन बेटर है, आई मीन स्पेशली आर्ट के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन ऑनलाइन तो कलर्स में पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि लाइट है या लाइट नहीं है वर्चुअली भी, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि उसमें कितना कलर्स दिख रहे हैं बेसिकली। और बायर्स को भी लाइक वो होना चाहिए कि हमें ये पेंटिंग खरीदना है, लेकिन ये क्या हमारे लिए सही होगा, ये कलर्स भी कलर कॉम्बिनेशंस के लिए, या कैसे उन लोग भी देख रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो जैसा कि बहुत जरूरी है। हाँ, और जैसा कि रही बात बायर्स की, तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि ये ऑनलाइन का टाइम है, क्योंकि बात तो है कि कोविड है, और कोविड में कोई भी कहीं आ जा नहीं सकता, जैसा कि पूरे देश का वही हाल है कि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, और कोविड में सभी डरे हुए हैं कि कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा है आ रहा है, तो ऑनलाइन चीजें हो गई हैं। तो जैसे पेंटिंग का एग्जीबिशन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बायर्स, जैसा कि आप बहुत से बायर्स से मिली होंगी या जानती होंगी, तो आपको लगता है कि वो बायर्स उसे दिल से ऑनलाइन देखते होंगे या नहीं देखते होंगे? आई थिंक देखते हैं उन लोग ऑनलाइन भी, लेकिन जैसे गैलरीज में है उन लोग तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल शूटिंग वो सब रखते होते हैं, पर जो प्राइवेट आर्टिस्ट के लिए होते हैं या जो उन लोग अगर उनके थ्रू वेबसाइट से सेल करने की कोशिश करता है, कोई आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल फोटोशूट या शायद भी ना भी हो, उन लोग ऐसे ही लगा भी सकते हैं, या कोई लोगों होंगे जिनके पास प्रोफेशनल फोटोशूट करने के बाद उन लोग उनके वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आपके आर्टवर्क को मार्केट भी कर रहे हैं बिल्कुल, ये और बात तो लाइटिंग के आप, ऊपर भी। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि जैसा कि है कि हम जब ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जीबिशन करते हैं, जब हमारी पेंटिंग कोई देखने आता है, तो ये बात होती है ना कि पेंटिंग सामने से जो हम देखते हैं तभी पता चल जाता है ना, पेंटिंग का साइज क्या है, पेंटिंग में क्या कलर यूज हुए हैं, कैसा है एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी, वो सामने देखने का एक अलग ही मजा होता है, अपना अंदाज होता है। लेकिन ये हो जाता है कि अगर ऑफलाइन है, तो उसमें बहुत चीजें आपको डिटेल्स में डालनी पड़ती है, तब शायद कहीं जाके बायर्स उस पे अट्रैक्ट होते हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज जैसा कि आज का टाइम चल रहा है, और कई आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है ये, तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने काम में ऐसे ही आगे जाना चाहिए, या अभी उनको अपना काम रोक के किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए? आप उनके लिए क्या कहेंगे? आई फिर जो पुराने काम जो उन लोग स्टोर करके रखते हैं पहले उनको बेचने की कोशिश करें, अगर जैसे कोई आर्टिस्ट होंगे जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स होंगे लेकिन उन लोग बेच नहीं सकते, उन लोग सिर्फ स्टोर करते रहेंगे तो फिर कैसे आगे काम कैसे होगा, लाइक कितना कब तक आप स्टोर करके रख सकते हो काम, बिल्कुल। आपको लाइक इवेंचुअली वो सेल तो भी करना ही चाहिए ना, बिल्कुल जब तक वो हाँ, सेल और ना हो जाए तब तक लाइक यू नो उस पे फोकस करना चाहिए कि वो सेल हो जाए। बिल्कुल, और जहां तक है, सभी आर्टिस्ट और हर फील्ड में लोग चाहते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं
उसका उन्हें एक अच्छा दाम या सोल्ड हो जाए, जिससे खुशी तो मिलती है और एक इनकम का भी जरिया हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट उससे उनका काम तो चल रहा है। और कई कई आर्टिस्ट तो ऐसे भी हैं कि चलो ठीक है वो अपनी पेंटिंग पे फोकस उनका कम है, तो कोई कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वर्कशॉप काइंड ऑफ कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो उनका उससे भी काम चल जा रहा है। तो आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मतलब ये कैसा है बच्चों को सिखाने के लिए? आई थिंक उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पर ऑफ कोर्स फिजिकल का लर्निंग ऑफ कोर्स अलग एक्सपीरियंस होता है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी एक्सपीरियंस अलग ही होता है. लेकिन आर्ट के लिए आई फील कि वो फिजिकल क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती है एक्चुअली, क्योंकि कोई चीजें होती है जो आप सिर्फ ऑनलाइन ड्रॉ करके स्टूडेंट को बता सकते हो कि ये ऐसे ड्रॉ करो ये लाइन, या ऐसे बनाओ इसको जैसे मैंने बनाया है, आपके टीचर ने जैसे बनाया वैसे ही ड्रॉ करके दिखाओ. लेकिन उसमें भी अगर जो स्टूडेंट के एरर्स होंगे, अब वो ऑनलाइन इतने देख नहीं सकता कोई भी, लाइक वो फिजिकली अगर आप स्टूडेंट के पास करवा रहे तो टीचर खुद वो रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि लाइक बच्चे ये आपने ठीक नहीं किया, ये इसको ऐसे करना चाहिए, या जैसे शेडिंग के स्किल्स होते हैं, कलरिंग के स्किल्स होते हैं, उसमें भी सब बहुत, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, आज हम दोनों आर्टिस्ट हैं तो हम दोनों को पता है कि उसमें भी काफी वेरिएशंस भी होते ही है, बहुत और कुछ कलर फॉर्म शेप्स पर्सपेक्टिव वो सब मैटर करता ही है. यस यू आर राइट माय डियर, बिकॉज मेरे पास भी, मैं भी क्लासेस कंडक्ट करती हूँ और घर पे क्लासेस चलती ही हैं, तो जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे जो मैं क्लासेस लेती हूँ आते हैं, तो और बात तो है कि सामने जो हम उन्हें सिखाते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। हाँ ऑनलाइन अभी कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, ऑनलाइन जरिया है कि थोड़ा डेवलपमेंट होता है, लेकिन हाँ सामने जो हम सिखा सकते हैं वो तो ऑनलाइन में थोड़ा कम हो जाता है। जी तो मेंटली अभी आप ये बताइए कि जैसा कि आजकल के यंगस्टर हैं तो उनका पेशेंस लेवल कैसा है? जैसा कि जो अभी नए नए स्टूडेंट उभर कर आ रहे हैं आर्टिस्ट के तौर पे, तो आपको क्या लगता है उनके अंदर पेशेंस है, वो काम कम कर रहे हैं? आप तो बहुत लोगों से मिलती जुलती रहती है, आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक उनपे अभी पेशेंस इतने रहा है. लाइक जैसे पहले जैसे हम लोग थे, हमारे में लाइक आई थिंक जब हम स्टूडेंट्स थे हमारे में ज्यादा पेशेंस था. आई थिंक अभी जो आजकल के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको सिर्फ लगता है कि हाँ बस एक ब्रश डाल दिया मतलब ये आर्ट हो गया, या कुछ कंप्यूटर में डिजिटल क्रिएट कर लिया वो आर्ट हो गया. उन लोग मानते कि हाँ ये बिक जाएगा तो बस बढ़िया है. उन हाँ लोग वो और नहीं सोचते कि लाइक यू नो जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है उन लोग उनसे लाइक मुलाकात उन लोग की कम होती है. अब उन लोग समझते कि जो हम कर रहे हैं वो ही सही है. और जैसा कि आजकल तो काफी चीजों का ट्रेंड चल गया ना, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि पेंटिंग्स में भी काफी ट्रेंड आ गए हैं, तो जी जो एकदम नए नए आर्टिस्ट हैं तो वो अपने उस ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं। तो जैसे कि इंडिया में काफ़ी जगह की पेंटिंग है, काफ़ी मशहूर पेंटिंग्स हैं, जैसे कि वारली हो गई और अपनी मधुबनी हो गई या कलाकृतियाँ हो गई, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक वो अभी भी कम चल रहे बहुत. आई मीन उन लोग भी अभी सब डिजिटल फॉर्मेट में अभी आएगा आई फील, वो भी अभी बहुत कम चल रही है. या फिर कोई आर्टिस्ट होते जो उन लोग कारपेट्स में भी अभी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ये भी काफी चल रहा है. जैसे MF हुसैन के वर्क्स है वो भी अभी सब कारपेट पे प्रिंट हो रहे हैं, और होटल्स में सेल भी हो रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, मैंने काफी देखे हैं. आई थिंक वैसे डिजिटल फॉर्मेट में अभी वैसे आर्ट अभी बहुत चलेंगे आई फील. अभी टाइम आई मीन में वो भी ऑफ कोर्स हम जैसे लाइक जो आर्टिस्ट है हमारे लिए ऑफ कोर्स वो लॉस है, क्योंकि डिजिटल आर्ट अभी ज्यादा चल रहे हैं. बिल्कुल, और डिजिटल आर्ट में भी बहुत लोग बहुत कुछ कर जा रहे हैं। तो मैं भी बहुत सारे आर्टिस्ट को जानती हूँ जो कि डिजिटल पेंटिंग करते हैं, तो अब मैं तो नहीं कर पाती हूँ डिजिटल पेंटिंग। हाँ बट हाँ काफ़ी कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी डिजिटल पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो
तो ये तो चलिए रही कि आप ऑनलाइन के थ्रू या जैसा कि आज का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत नई नई चीज़ें आती हैं, तो जिसे आप बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सीख सकती हैं। तो जैसा कि मैथिली में ये चीज़ पूछ रही आपसे कि आप जैसे कि आपने सिंगापुर से पढ़ाई की आर्ट की, तो आपका बचपन से ही रुझान पेंटिंग में था या बाद में ऐसा हुआ कि आप पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने लगी? आई थिंक मैं जब 6th में थी तब मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ था, तो तब मुझे टीचर्स हमेशा पूछते थे कि आप बड़े होंगे तो आपको क्या बनना है, तब मेरा आंसर तब स्ट्रेट था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। अरे वाह, तो उन लोग सरप्राइज थे क्योंकि इस उम्र में, वो उम्र में जब टीचर्स जब पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो कोई बोलेगा पायलट, फिर दूसरे दिन बोलेगा कि हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इवन दो मुझे तब पता नहीं था कि ये फील्ड इतना रिस्की होगा आगे जाके, कि लाइक इतने जल्दी सेल नहीं होंगे। लेकिन नहीं सही ऑफ कोर्स बोला वो आप। पेशेंस के ऊपर ही सब है और डेस्टिनी के ऊपर। हाँ, और अच्छी बात ये है कि आपने जो बचपन से सोचा आप उसी को आपने परस्यू किया है, जैसा कि आप अपना आर्ट जर्नी आगे लेकर जा रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा भी ऐसा ही रहा है कि मैं शायद सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में रही हूँ जब से मैं ज्वाइन करते आ रही हूँ, और उसके अलावा मैंने कभी कुछ भी नहीं सोचा कि मैं इसके अलावा कभी कुछ करूँगी। और जब मैं बहुत छोटी थी, 6th 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी, तब मैं एक बार MF हुसैन की पेंटिंग की मैंने कॉपी की थी, वो भारत माता की पेंटिंग थी, अच्छा, और वो मैंने बनाई थी, और आपको पता है वो मैंने मेरे घर के बाहर लगाई थी और किसी ने चोरी कर ली। तो मेरे पापा ने मेरे माइंड में डाल दिया था कि तुम जब बड़ी होगी तुमको मैं फाइन आर्ट कराऊंगा। तो बचपन से ही मेरे माइंड में था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, और कुछ सोचा ही नहीं बनने के लिए। तो अच्छा है, गर्ल्स जहाँ तक है, ये गर्ल्स है ना, वुमेन्स है ना, वो शायद अपनी अपनी बातों पे अड़ी रहती है, जैसा कि है कि नहीं हमें ये करना है तो बस यही करना है। यू जी आर है ना, आई एम राइट ना? यस ऑफ कोर्स। यस, तो अच्छी बात है कि आप अपना आर्ट परस्यू कर रहे हैं। और तो जैसा कि चलिए ये तो मेरी और आपकी बात रही कि हम लोग अपने जो हमारा जो बचपन से एम है, पैशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो मतलब उनको लगता है कि नहीं हमें भी अपना काम परस्यू करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और कभी कभी नहीं कर पाती, तो आपको क्या लगता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक उन लोग को कभी होप नहीं गिव अप करना चाहिए। जो उनके मन में है वो हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, वो कभी होप मत लूज करो आप लोग। आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को, अपने आप में आप बिलीव करो कि आप ये करना है आपको, ये आप कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो आपका गोल, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लोग होंगे यहाँ पे बातें करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, डिस्करेज करने वाले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आप कर रहे हो वो मैटर करता है बहुत। बिल्कुल। और होता है कि जब तक हम लोग अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं बना लेते ना, तब तक कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं है हमारे इंडिया में जैसे कि बहुत सी गर्ल्स हैं जो फैमिली कहीं सपोर्ट नहीं करती है, या आफ्टर मैरिज उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं गिव अप कर जाती है। और होता है कि चलो, लेकिन आप उनकी फैमिली के लिए कुछ बोलेंगे कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या ऐसे काम पे आफ्टर मैरिज जो गर्ल्स चाहती हैं कुछ करना, कहीं कहीं पे है ऐसा कि उन्हें काम आगे करने दिया जा रहा है, और कहीं कहीं पे ऐसा है कि काम आगे करने दिया ही नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के या घर में काम करके ही रह जा रही है। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक वो सोच गलत है। लड़कियों को भी आजकल उतना ही राइट्स मिलना चाहिए जितना जितना लाइक बॉयज को मिल रहा है। उन लोग को भी हक है कि उन लोग कुछ आगे करे। गर्ल्स आर द फ्यूचर, उन लोग को, लड़कियों को पढ़ा, उन लोग को आगे बढ़ने दो, उन लोग को बांध के मत रखो, उन लोग की अंदर की बातें उन लोग को बांध के मत रखिए, उन लोग को आगे जाके पढ़ाओ, उन लोग को जो बनना है उनको बनने दीजिए, उनको हौसला दीजिए वो, और उनको सपोर्ट कीजिए।
आई थिंक वो बहुत जरूरी है आजकल. बिल्कुल. और जैसा कि आप भी ब्रिटिश स्कूल में पढ़ी हैं, तो और मैं भी कई स्कूलों में, मैं तो अयोध्या से, तो मैं भी कई स्कूलों में पढ़ी हूँ. और मैं तो हालांकि गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी जो टीचर्स हुआ करती थी, तो वो तो टीचर्स थी और वुमेन थी. तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारे टाइम पे जो हमारी टीचर्स हुआ करती थी वो एजुकेटेड थी, तभी तो वो टीचर थी हमारी, है ना. और उनके पहले भी वो किसी स्कूल से पढ़कर आई होंगी, तो उस टाइम भी कुछ वुमेन टीचर रही होंगी. तो कहीं ना कहीं इंडिया में एजुकेशन बहुत पहले से ही वुमेन्स के लिए डेवलप है. बट किसी किसी सिटी में है ऐसा, किसी किसी स्टेट में है ऐसा, कि उन्हें एजुकेशन से बहुत दूर रखा जाता है. जैसा कि कहीं कहीं पे गर्ल्स आ जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, अभी शायद वो दहेज का ऐसा सोचते हैं, जो भी सोचते हैं उनको लगता है कि नहीं, शायद पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा. और कहीं ना कहीं हमारे भारत में जैसा कि फाइनेंशियली सब सेटल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, यस, तो नहीं होते, उनके पास पैसों का बहुत अभाव रहता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते. तो है कि चलो ठीक है, कहीं पे पढ़ाई रुक गई. लेकिन आजकल शिक्षा भी बहुत महंगी नहीं है कि हम लड़कियों को शिक्षा से दूर रख सकते हैं. जी ऑफ कोर्स, 100% एग्रीड, यस, वो बहुत जरूरी है ऑफ कोर्स. और खासकर लड़कियों को तो, क्योंकि जितना ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में भी पहले से ही कितनी औरतों ने नाम किया है. बहुत सारे उदाहरण के तौर पे हैं हमारे भारत में जिनका, जैसे हमारी एक आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल जी, जो कि कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और आज भी वो याद की जाती हैं हमारे बीच में. और आज भी उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी जो किसी किसी के पास रखी हुई है वो लगाते हैं. तो वो भी एक, उन्होंने भी बहुत पहले, मतलब वो शायद हमारे मॉम डैड के पहले के भी टाइम की थी, तो उन्होंने भी अपना नाम किया है. तो वो एक उदाहरण है हमारे देश के लिए कि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और अपने जो भारत में जो कहीं कहीं लड़कियों की पढ़ाई या और चीज़ों में उन्हें रोका जाता है, उन्हें ना रोका जाए, क्योंकि आज से ही नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही लड़कियाँ हर फील्ड में आगे जाती आ रही हैं. जी वो तो ऑफ कोर्स, वो 100% बात है. वो तो वी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको बांध के रखने का मतलब नहीं है, उनको जो बनना है उनको बनने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो मैथिली, जैसा कि आप कहीं कहीं जैसे एग्जीबिशन किया होगा, तो आप अपना कुछ अच्छा मोमेंट शेयर करिए, जैसा आपको कहाँ पे बहुत अच्छा लगा है और कहाँ पे आपको पेंटिंग बनाना और पेंटिंग करना कहीं जाना आपको अच्छा लगा है. स्कूल टाइम में मैंने आर्ट क्लासेस किए थे, तो उधर एक आर्टिस्ट था सुब्रतो कुंडू, वो अभी गुजर गए हैं, आर्टिस्ट है, वो सीनियर आर्टिस्ट है वो बहुत. तो उनके घर पे जाके ग्रुप क्लासेस होती थी, तो उनके पास जाना अच्छा लगता था और उनके पास से भी काफी कुछ सीखा था बिफोर कॉलेज जाने से पहले, 1 ईयर बिफोर कॉलेज जाने से पहले. और मेरे एग्जीबिशंस में भी आए हैं बहुत बार, इनॉग्रेशन भी किए हैं उन्होंने. अरे वाह, क्या बात है. जी इधर दिल्ली में ही था वो भी, क्योंकि वो दिल्ली के ही आर्टिस्ट है, तो उन लोग ने, वो दिल्ली में ही उन्होंने काफी एग्जीबिशंस मेरे अटेंड किए थे यहाँ पे. और उनके भी जो स्टूडेंट्स है वो भी आते थे, जो सीनियर और भी सीनियर, जो मेरे से सीनियर स्टूडेंट्स है, तो उन लोग भी आते थे, उन लोग भी सिखाते थे कभी कभी, उनसे भी मिलना, बातें करना, एग्जीबिशंस करना उनके साथ भी अच्छा लगता था. अरे वाह. तो आप तो जैसा कि मुंबई में भी कुछ साल रही, और हम लोग, आप मुंबई में रहती थी तो हम लोग का मिलना जुलना लगा रहता था, और अभी आप है कि गुरुग्राम शिफ्ट हो गई है. माई बैड लक कि अभी मैं जल्दी आपसे आके मिल नहीं सकती, बट मैं आऊंगी पक्का मिलने, मैं और एंजल दोनों. तो जैसा कि आप मुंबई में रही इतने टाइम, आर्ट वर्क किया, तो आपको मुंबई में कैसा लगा? आई थिंक मुंबई में मैं
फॉरवर्ड वर्क करती थी जब, क्योंकि तब मेरे पास आर्ट स्टूडियो था वहाँ पे, और जैसे मुंबई में स्पेसेस की कमी होती है तो वहाँ पे आई मीन आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि मैं स्टूडियो कब जाऊंगी और मैं वहां से कब मेरा काम शुरू करूंगी। तो खुशी होती थी, वो मोटिवेशन होता था कि हाँ मैं एक्साइटेड हूँ मैं स्टूडियो जाने के लिए और उधर मेरे से काम होगा। आई फील घर बैठे बैठे कभी कभी वो लेजीनेस भी आ जाती है कि हाँ काम है काम है, फिर कभी कभी वो मूड भी होना चाहिए आई फील घर से कभी कभी करने के लिए भी। लाइक आर्टिस्ट लोग काफी मूडी भी होते हैं, उन लोग को शायद एक पेंटिंग करने के लिए शायद इयर्स लग जाए, मंथ्स लग जाए, वीक्स लग जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके मूड के ऊपर है वो। बिल्कुल, और होता है जब हम अपनी जगह पे अपनी पसंद की जगह पे पेंटिंग करते हैं तो एक अलग ही मजा होता है और अलग ही मन होता है और हम दिल से काम करते हैं। और वो मुझे ऐसा फील होता है कि कभी कभी मैं वो स्टूडियो को बहुत मिस करती हूँ, कभी कभी घर से काम करते तब लगता है कि हाँ थोड़ा आलस हो रहा है, लाइक थोड़ा लेजीनेस हो रहा है। या एग्जैक्टली होता ही है, घर में है तो लगता है अरे यार आज नहीं कल कर लेंगे। जैसे मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक आर्ट वर्क बनाया है, बट बीच में कुछ इश्यू हो गया, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो नहीं यार आज नहीं कल कल नहीं पढ़ते, मतलब हम डे बाई डे उसको टालते जाते हैं। तो जैसा आप अपने स्टूडियो के बारे में बता रही हैं जो मुंबई में था, हम लोग भी बहुत मिस करते हैं आपके स्टूडियो को, बिकॉज हम मिलते रहते थे एक दूसरे से, वो टाइम बहुत अच्छा था। और एक बार तो मुझे याद है जब हम लोगों ने अपना मीटअप रखा था आपके स्टूडियो में, बहुत मजा आया था, वो टाइम ही अलग था। कोई बात नहीं, ऐसा फिर से टाइम लौट के आएगा, हम लोग वापस मिलेंगे। तो मैथिली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के यंगस्टर को, आज के आर्टिस्ट को, कुछ ट्रिक एंड टिप्स देना चाहेंगी? जी जरूर, तो सब आर्टिस्ट को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो आप आपके अंदर बिलीव कीजिए कि आप आगे कर सकते हैं, और होप मत लूज कीजिए कि आपसे नहीं होगा, हमेशा मोटिवेशन कोट्स देखिए, लोगों की बातें सुनिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और उनसे इंस्पिरेशन ढूंढिए, तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मैं यही चाहूंगी कि जो आर्टिस्ट हैं आपकी इन बातों को फॉलो करें। तो मैथिली जी, अभी तो जैसा कि टाइम ऐसा निकलता जाता है पता भी नहीं चलता, और बातों का क्या है, ऐसा लगता है बस करते ही रहे। तो मैथिली, आप हमारे वर्ल्ड आर्ट बेंडिंग कॉन्क्लेव के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपको और चेतन जी को ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट शुभकामनाएं आप दोनों को, आप आगे बढ़े, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे, और आपका भी काम एज एन आर्टिस्ट बहुत बिके, नाम हो। थैंक यू, आप लोग के विषय है ना, नाम तो बहुत हो ही रहा है, और ये तो प्लेटफॉर्म है ही जिससे बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं हमसे, मिल रहे हैं हमसे। तो आप वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग के शो में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन आई फील मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के शो में। Yes. वो भी ऑफ कोर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि आप लोग जहाँ से शुरू किया है और अब तक आए हो, आई थिंक वो अमेजिंग है। थैंक यू, वो सब बोले ना कि आप सारे फ्रेंड्स के और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने कलीग्स हैं, उन सबकी विशेष है जो हमें इतना प्यार दे रही है, और हमारा शो और जो भी हम काम कर रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैथिली, थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे शो में आई और इतनी सारी बातें की, और अच्छा है कि आप ऐसे हमारे शो में फिर आए और हम लोग सारी बातें करें। तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू, बाय बाय बाय। तो देखा कि आज हमने मैथिली से बातें की, और वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जैसा कि आपने उनकी पेंटिंग देखी, उनके बारे में जाना, तो होता ही है कि एक जैसा कि आज का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत लोगों का काम है जो बहुत स्लो चल रहा है,
तो कोई बात नहीं, अच्छा टाइम आएगा और सबका काम फिर से बहुत अच्छे से चलने लगेगा। जैसा कि एक महिला होने के नाते आप देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में काफी महिलाएं अपने काम को लेके काफी उत्साहित हैं और अपने काम पे बहुत ध्यान दे रही हैं। तो मैं सबके लिए यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने काम पे प्लीज ध्यान दें और किसी भी चीज को लेके गिव अप ना करें। मेरा आज सबके लिए यही मैसेज है और प्लीज मैं उन सबको भी थैंक यू बोलती हूँ कि जो अपने घर में जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं उनको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उनके सपनों को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे शो को इतना पसंद करने के लिए, और हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे और लाएंगे एक नए आर्टिस्ट को और जानेंगे उनके आर्टिस्ट जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड इवनिंग, बाय।